वेलकम अगेन फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैटेगरीज वर्क करता है वर्डप्रेस के अंदर, हाउ टू ऐड एंड डिलीट कैटेगरीज इन वर्डप्रेस। सो दोस्तों, कैटेगरीज क्या है कि कैटेगरीज सिंपल जैसे इसके मीनिंग से पता चलता है, ये कैटेगराइज कर देता है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं अपना ब्लॉगिंग, सो डेफिनेटली उस टॉपिक के अंदर, उस नीचे के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज होंगे। सो उसको कैटेगराइज करने के लिए ये कैटेगरी फीचर्स जो है वर्डप्रेस के अंदर बना है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह से हम अपना वेबसाइट बना रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड है। सो इससे क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि ये तीन कैटेगरी तो इजिली हो गई, कि आपका डेस्कटॉप का एक कैटेगरी हो गया, दूसरा आपका लैपटॉप का कैटेगरी हो गया एंड थर्ड सीसीटीवी कैमरे का कैटेगरी हो गया। फर्दर मोर, इसके अलावा भी आपको और बहुत सारी कुछ कैटेगरी बनाना है। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप में भी बहुत सारे एक्सेसरीज होते हैं, लाइक जैसा हार्ड डिस्क हो गया आपका, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, आप इसके ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वहाँ पर हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस की कैटेगरीज वर्क करती है और आपको क्यों बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और यहाँ पर पोस्ट के नीचे आप देखेंगे कि थर्ड ऑप्शन मिलता है हमें कैटेगरीज का। इस कैटेगरीज पर आप क्लिक कर लीजिए, आ जाइए एंड यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक अनकैटेगराइज करके कैटेगरी है जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ये कैटेगरी बाय डिफॉल्ट रहता है और ये डिलीट नहीं होता। आप यहाँ पर माउस लेकर आएंगे तो आपको यहाँ पर डिलीट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। सो इस कैटेगरी को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रीनेम कर लिया करें। इसको आप एडिट करना है आपको, इसका जो स्लॉग बनता है, जो यूआरएल बनता है, उसको भी आप रीनेम कर लें और जो ऊपर टॉप पर जो इसका नेम है वो भी रीनेम कर लें। इन दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना। ये नाम होता है, ये यूज़र को डिस्प्ले होता है, यूज़र को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप दे देता हूँ एंड जो लास्ट ऑप्शन है स्लॉग, ये हमारा यू आर एल हो जाता है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताता हूँ कि glenrush.com/desktop, सो ये जो स्लॉग है ये, और ये ऑलवेज स्मॉल में रहता है। सो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप दे दिया एंड इसका पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है। अगर आपको पेरेंट कैटेगरी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। सो बैक टू कैटेगरी में जाते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो अनकैटेगराइज था वो डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो चुका है। इसके आगे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फोर काउंट होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में चार पोस्ट बनाए थे जिसमें एक को हमने डिटेल्स में बताया था और तीन ऐसे थे। तो ये काउंट कर रहा है कि कितने पोस्ट आपके इस कैटेगरी में हैं। सो अभी हम नीचे नेक्स्ट बनाते हैं। न्यू कैटेगरी के नीचे आप देखेंगे एड ए न्यू कैटेगरी। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं लैपटॉप एंड आप स्लॉग में अगर आप कुछ टाइप नहीं करेंगे, नेक्स्ट टैब दबाएंगे और यहाँ पर आएगा आपको पेरेंट कैटेगरी। अभी डेस्कटॉप के अंदर लैपटॉप को रखना है तो आप ये सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज इसको नन रख दीजिए। फ्रेंड्स, नोटिस करना कि हमने स्लॉग में कुछ भी नहीं दिया है एंड ब्लैंक रखना है, ये ऑटोमेटिकली स्लॉग कैप्चर कर लेगा। सो आप देख लीजिए यहाँ पर जो स्लॉग बना है वो लैपटॉप ऑटोमेटिकली आ गया है। आप मैन्युअली भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है सीसीटीवी। आप यहाँ पर मैन्युअली भी दे सकते हैं। यहाँ पर जब आप मैन्युअली देंगे तो जो हमारा ऊपर टॉप पर स्पेस है उसकी जगह पर आपको एक हाइफन दे देना है ताकि वो सेपरेशन पता चले। अगर आप ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली स्पेस को हाइफन में कन्वर्ट कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए कैटेगरी। आपने देखा कि कैटेगरी को हमने कैसे रीनेम किया एंड अभी आपको कुछ कैटेगरी डिलीट करना है तो आप जैसे ही माउस लेकर आएंगे, आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी हमारी डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउजर जो है एक कंफर्मेशन पूछेगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। सो ये हमारी जो कैटेगरी थी वो डिलीट हो गई। लेट्स रिबिल्ड इट अगेन। तो ये हमारी कैटेगरी अगेन वापस से आ गई। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।